actually, a lot of research has gone into this film. Sorry, ma'am? A lot of research I have gone into this film. So why are you doing this film? Did you get to meet the people? Yes, ma'am. Just now also I met them. There were about three people, a nurse and one guy who was involved in Air India and one guy who was 15 years old at that time. Today, obviously, it is 25, so it is 50, he must be 40 years old now. So he was also here. So I was talking to them. That lady who was a nurse, she told me her incident, ki the soldiers had come inside and pushed everything and just started, like I said, there were so many Kuwaitis who were in ICU. So they just removed the life support. मतलब बहुत सारी तो एक मेरे को आदमी मिला था, वो बता रहा था कि उसके सर पे बंदूक रखी थी एक इराकी सोल्जर ने, और 16 साल का बच्चा था वो, उसने रखी थी और बोला कोई थी बोले नो इंडियन कोई थी नो इंडियन, और उसको साबित करने के लिए उसने 3 मिनट का हिंदी गाना गाया, तब उसको जाके छोड़ा, और वो रो रो के गाना गा रहा था. So, और बहुत सारे इंडियंस अपने दे लॉस्ट देयर लाइव्स आल्सो बिकॉज़ ट्राइंग टू प्रूव दैट दे वर नॉट कुवैतीज. सो इट्स अ देखिए, आज आपको आप सब हैं इधर, तो आपको 2 मिनट में बताता हूँ कि आप ये सोच लीजिए कि आपने जिंदगी में जो कुछ कमाया, आज आप अमीर है, रात को कुछ ऐसा हादसा हो जाए कि आपका सारा पैसा जीरो हो जाता है, क्योंकि अगर वॉर होता है तो जो पैसा आपके बैंक में होता है जमा, सारी जमा पूंजी, उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहती, वो जीरो हो जाती है. एंड देन ऑल यू से अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ आप रोड पे आ जाते हो, आपका हाल क्या होगा. उससे ऑन टॉप ऑफ इट आप इंडिया में नहीं, आप किसी दूसरे पराय देश में हैं, फिर उसके ऊपर और क्या बुरा हाल होता है. तो दैट इज द थिंग विच हैपन टू देम. एंड द सैडेस्ट थिंग इज किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है. वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड वालों को पता था और उन्होंने लिखा और हमको पता ही नहीं था. टाइम बदल रहा है जनाब, ऐसा नहीं है, टाइम बदल रहा है. द यूथ इज अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस काइंड ऑफ सिनेमा. जैसे बेबी थी, इट वॉज अबाउट रॉ, उसमें कोई गाने नहीं थे, बट इट इज़ अ गुड बिजनेस एंड इट इज़ टाइम. मतलब अपने आप वैल्यूएशन इज इन सब चीज़ों की, रियलिज्म की वैल्यू बढ़ती है एंड अपने आप ही ऊपर आती जाएगी. ये तो मैं लंच बॉक्स के बारे में भी कह सकती हूँ एक्चुअली. वो एक इतना बड़ा स्टैंडिंग एग्जाम्पल था, इतनी छोटी सी फिल्म, उसमें तो कुछ भी नहीं था जैसे आप कहते हैं, जो एक कमर्शियल फार्मूला होता है या एक रिलीफ होता है या एस्केपिज्म होता है, कुछ भी नहीं था उसमें तो, आप जानते ही हैं जैसे. तो उसके भी मतलब कमर्शियल जो सक्सेस था उस फिल्म का या जो भी उसके नंबर्स थे, दैट्स आल्सो स्टैंडिंग प्रूफ फॉर एग्जैक्टली व्हाट अक्षय सर जो उन्होंने कहा. आपका क्या रिएक्शन था जब आपने पहली बार ये स्टोरी सुनी? आपको पहले पता नहीं था कि इतना बड़ा काम हमारे देश ने किया? नहीं, मुझे नहीं पता था जी, बहुत ज़्यादा. इनफैक्ट मुझे भी बहुत हैरानी थी कि इतना बड़ा, इतनी बड़े स्केल का एक ऑपरेशन था जिसके बारे में हम जैसे लोगों को पता नहीं है, जो अपने आप को अवेयर समझते हैं, और हम आज के जनरेशन के लोग हैं, इतना सोशल मीडिया पे रहते हैं, इतनी न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, बातें करते हैं. थोड़ी बहुत कुछ सुना था कि कुछ लोग, जैसे मेरी अभी रिसेंट आज सुबह ही मुझे ध्यान में आया कि मेरी क्लास में एक लड़का कुवैत से होता था, बट हमने कभी पूछा नहीं उसको कि वो कहाँ से आया, क्यों आ गया. पर मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के ये ज़रूर पता था कि एज एन एक्टर ये मेरे लिए बहुत बड़ा मेरा एक सौभाग्य होता अगर इफ़ आई कुड अटैच माई सेल्फ टू दिस फिल्म, और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत प्राउड हूँ मैं इस बात पे कि यू नो कि मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिला. इट इज़ सो फनी, मैं अभी आज सुबह ही कुछ पढ़ रहा था और मुझे अभी पता चला कि यस, टुमारो इज़ द डे व्हेन जॉर्ज बुश सेड ही डिक्लेयर्ड गल्फ वॉर. टुमारो इज़ द डे ही डिक्लेयर्ड गल्फ वॉर टुमारो. देखिए, ये सब चीज़ें जो कंट्री की चीज़ें हैं, आई डोंट बिलीव इन कंट्री बैशिंग. आई बिलीव इन टेररिज्म बैशिंग, आई डोंट बिलीव इन कंट्री बैशिंग. इट इज़ नॉट अ कंट्री डज इट, इट इज़ सम बैड पीपल
who do all these things. It is some negative people, terrorists who do all things. I know many Pakistanis who are good, they talk so nicely. So it will be wrong to say a country bashing thing. It is always some wrong elements who does all this and who spoils countries' names. Yeah. Some leaders are also going in for celebrity bashing. Amit Khan is still receiving a lot of flack for, you know, his views on intolerance. Recently, a BJP leader has again taken a pot shot at him. How do you react to, you know, celebrities being constantly, you know, targeted like this? See, everybody has their own point of view. So, that everybody has the right to say whatever they want, and that's it. Last question. Does your character in this film deserve a national sorry? Award? Your character is national award deserve karti hai? Mera jo character hai, mujhe nahi malum. But my character jinko maine khela hai, he surely deserve a very big award. Thank you. Akshay, we all know ki apne papa se kitna pyar karte ho. To sir, aap chahte hain ki wo ye film dekh pate ya aap bhi chahte ho kaise main film banata jo aapke liye aapke father ki aur aapke relations pe aise Mm-hmm. Thank you. Thank you guys. Thank you very, very much. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.